नमस्कार। हरियाणा के इस वक्त की सबसे बड़ी अहम अपडेट आपको दे रहे हैं। हरियाणा में पंचायती चुनावों पर रोक लगी है और जितनी भी पुरानी प्रक्रियाएं थी उनको फिलहाल रोक दिया गया। ये बड़ी अपडेट हरियाणा से मिल रही है, जहां पर आपको बता दें हरियाणा में अगले साल फरवरी में सरपंची के प्रस्तावित चुनावों को लेकर सरकार ने बड़े स्तर पर तैयारियाँ शुरू की हैं। हालाँकि पंचायती स्तर पर निकाले जा रहे ड्रा और कार्यवाही को फिलहाल लंबित रखने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं, जिला परिषद, पंचायत समिति व ग्राम पंचायत के चुनाव होने हैं। इसके लिए सरकार ने महिलाओं को 50% आरक्षण देने का फैसला किया, लेकिन ये विधायक विधानसभा में जो विधेयक है वो पास नहीं हो पाया। ऐसे में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने के लिए सिस्टम तैयार किया जा रहा है। विकास एवं पंचायत विभाग के प्रधान सचिव ने पंचायती राज संस्थाओं में सीटों के आरक्षण में जुड़े मामले लंबित रखने के आदेश जारी किए हैं। इसी संदर्भ में प्रधान सचिव द्वारा सभी DC, जिला विकास पंचायत अधिकारियों व खंड विकास व पंचायत अधिकारियों को कहा है कि वे आगामी आदेशों तक आरक्षण के मामलों को लंबित रखें। आपको बता दें कि वर्तमान में पंचायतों में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित हैं, जहां पर पिछड़ा वर्ग व अनुसूचित जाति के लोगों के लिए सीटें रिजर्व की हुई हैं। कौन सी सीट सामान्य रहेगी, कौन सी रिजर्व कैटेगरी में आएगी, इसका फैसला हर साल ड्रा के माध्यम से किया जाता है। अब चूंकि पंचायतों के चुनाव में अधिक समय नहीं बचा है, ऐसे में ग्राउंड स्तर पर ये काम शुरू हो गया था। इसी बीच राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का निर्णय लिया, लेकिन ऐसी स्थिति में अब सीटों को इसी आधार पर आरक्षित किया जाएगा, इसी लिए आरक्षण के मामलों को फिलहाल लंबित किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आपको हरियाणा के पंचायती चुनावों से जुड़ी दे रहे हैं, जहां पर हरियाणा में सरपंची के चुनाव पर रोक लगी है और जितनी भी पुरानी प्रक्रियाएं थी उनको फिलहाल के लिए रोक दिया गया है।